यो विज्ञानमयो जगत्त्रया गुरुरयं सर्वलोकाश्रिता सिद्धिर्येन वृता समस्त जनता यस्मै नतिं तन्वते यस्मान् मोहमतिर्गता मतिभृता यस्यैव सेव्यं वचो यस्मिन् विश्वगुणास्तमेव सुतरां वन्दे युगादीश्वरम्। भारतवर्ष में आर्य धर्म में मुख्य तीन परंपराएं हुई हैं, जैन, वैदिक और बौद्ध। ये तीन मिलकर आर्यावर्त के प्राचीन धर्म का पूर्ण स्वरूप प्रकट करते हैं, जिसमें जैन धर्म विश्व का सर्वाधिक प्राचीन एवं आत्मा के श्रेय को समर्पित विशिष्ट अद्भुत आध्यात्मिक दर्शन है। इस धर्म में प्रभु ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक ऐसे 24 अमृत महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने उच्च जीवन आदर्शों एवं उपदेशों के माध्यम से असंख्य जीवों को संसार से तारा है और वे तीर्थंकर कहलाते हैं। भगवान महावीर ने अपने जियो और जीने दो के सूत्र के माध्यम से विश्व भर को शांति, समरसता और सहिष्णुता का संदेश दिया। वास्तव में जैन धर्म सम्यक आचार और सम्यक विचार के द्वारा अपने राग आदि दोषों को जीत कर अपने परम लक्ष्य को पाने का मार्ग है। यह धर्म किसी व्यक्ति विशेष का, किसी जाति विशेष का या किसी देश विशेष का न होकर प्राणी मात्र के लिए अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने का मार्ग है और इसी शुद्ध स्वरूप के मार्ग पर चलने वाले अनेक आचार्य भगवंत हुए हैं, जिसमें वर्धमान सूरी, जिनेश्वर सूरी, बुद्धि सागर सूरी आदि प्रमुख हैं। जहां एक ओर प्रभु महावीर के परम पथ पर चलने वाले परम साधक थे, तो वहीं दूसरी ओर शिथिलाचार से ग्रस्त और धर्म विरोधी तत्व भी मौजूद थे। बात है विक्रम संवत 1078 1079 की, जब वर्धमान सूरी, जिनेश्वर सूरी अपने संत समुदाय के साथ दिल्ली होते हुए गुर्जर प्रदेश की ओर विहार कर रहे थे और संवत 1080 में वे गुर्जर प्रदेश के पाटन नगर में पहुंचे। पाटन नगर उस समय ऐसे ही शिथिलाचारी और धर्म विरोधी तत्वों का गढ़ बना हुआ था, जिसके प्रमुख थे सूराचार्य। जब सूराचार्य को पता चला, उन्हें ज्ञात हुआ कि वर्धमान सूरी अपने शिष्य समुदाय के साथ पाटन नगर पधार चुके हैं, तब उन्हें लगा शायद अब उनका समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि सांच को आंच नहीं होती। वर्धमान सूरी ऐसे सच्चे सूरी हैं, ऐसे सच्चे साधक हैं कि जिनके आते ही हम या हमारा या जो समुदाय है उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और उन्होंने एक षड्यंत्र रखा और पूरे नगर में वर्धमान सूरी के प्रति मिथ्या संदेश, मिथ्या भ्रामणाएं फैला दी और यह बात पता चली दुर्लभ राजा को। दुर्लभ राजा को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने मंत्री जी के निवेदन पर यह फैसला किया कि सूराचार्य और वर्धमान सूरी जी का शास्त्रार्थ कराया जाए। शास्त्रार्थ के बाद पता चलते ही वर्धमान सूरी जी ने अपने शिष्य जिनेश्वर सूरी को शास्त्रार्थ के लिए अधिकृत किया और जिन्हें महाराजा दुर्लभ ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। पूर्व निश्चित तिथि पर और पूर्व निश्चित स्थान पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। उपस्थिति थी दुर्लभ महाराजा की। दुर्लभ महाराजा दोनों के बीच चल रहे शास्त्रार्थ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और चिंतन के धरातल पर चल रहे हैं। शास्त्रार्थ चल रहा है और निर्णय का वक्त भी आ चुका है।
दुर्लभ महाराजा ने जिनेश्वर सूरी के तर्कों और प्रमाणों को सुन करके जिनेश्वर सूरी को खर तर अर्थात आप सच्चे हैं, धर्मयुक्त हैं, ऐसा अलंकरण, ऐसा विरुद्ध प्रदान किया। और तब से जिनेश्वर सूरी के साधु साध्वी, उनके अनुयायी खरतर गच्छीय और उनका समुदाय खरतर गच्छ के नाम से विख्यात हुआ। आज खरतर गच्छ की उत्पत्ति को 1000 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। उत्पत्ति हुई 1000 वर्ष पहले विक्रम संवत 1080 में, जिसका प्रमाण आज भी उपलब्ध है। 12वीं शताब्दी के महान जैनाचार्य जिनदत्त सूरी के अनेक स्तोत्रों में इस घटना का हमें उदाहरण मिलता है। तो वहीं 13वीं शताब्दी के जिन लाभ उपाध्याय के खरतर विरुद्ध गुरुवावली में भी हमें इसका उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार एके चक्रवर्ती, जो गुर्जर प्रदेश के चालुक्य वंश का इतिहास लिखते हैं, तो उस इतिहास में भी इस शास्त्रार्थ की घटना का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो वहीं पाटन नगर स्थित विश्वविख्यात वाड़ी पार्श्वनाथ परमात्मा के जिनालय के 400 वर्ष प्राचीन शिला लेख में भी विक्रम संवत 1080 का हमें प्रमाण मिलता है। तो वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद स्थित शांतिनाथ पोल में शांतिनाथ जिनालय के शिला लेख में भी 1080 का प्रमाण मिलता है। तो वहीं 17वीं शताब्दी के समय सुंदर जी महाराज के रचनाओं में भी और क्षमा कल्याण सागर जी महाराज की भी रचनाओं में भी 1080 का प्रमाण हमें उपलब्ध होता है। इस प्रकार यह परंपरा आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई। इस परंपरा को संभाले रखने में, इस परंपरा को आज 1000 वर्ष तक गतिमान रखने में अनेक आचार्य भगवंतों का, अनेक साधु साध्वी भगवंतों का, अनेक विद्वानों का, अनेक साहित्यकारों का, अनेक कलाकारों का और अनेक चित्रकारों का सहयोग है। नवांगी टीकाकार जिन अभय देवसुरी, प्रथम दादा गुरुदेव जिन दत्त सूरी, मणिधारी जिन चंद सूरी, प्रकट प्रभावी जिन कुशल सूरी, अकबर प्रतिबोधक जिन चंद्र सूरी, महोपाध्याय समय सुंदर सूरी, क्षमा कल्याण सागर सूरी, इन्होंने ऐसे अद्भुत और अलौकिक ग्रंथों की रचना की कि जो ग्रंथ केवल उस शताब्दी में उपयोगी न होकर आज की 21वीं शताब्दी में भी उतने ही महत्वपूर्ण है और वर्तमान के जीवन जीने की शैली को सुधारने में उतनी ही अहम भूमिका निभाते हैं। इन पूर्वाचार्यों ने इतिहास की, या मैं यूं कहूं कि अध्यात्म की, ऐसी जटिल प्रश्नों पर, ऐसे जटिल समस्याओं पर अपना मौलिक चिंतन प्रदान किया कि जिनकी अवधारणाएं आज भी अनुप्रयोग में लाई जाए, आज भी अनुप्रयोग में इस्तेमाल की जाए, तो निश्चित तौर पर आज जो संस्कृति का और सभ्यता का हास्य हो रहा है उसे हम बचा सकते हैं। खरतर गच्छ की परंपरा में यूं तो अनेक महान प्रभावक आचार्य हुए हैं, लेकिन जिन दत्त सूरी, मणिधारी जिन चंद्र सूरी, जिन कुशल सूरी, जिन चंद्र सूरी, ऐसे चार युग प्रधान आचार्य जिनको अनुयायी वर्ग श्रद्धा और आदर वर्ष दादा गुरुदेव के संबोधन से पुकारता है, और इन दादा गुरुदेव की गुरु मंदिर को दादावाड़ी कहा जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में 800 से 900 से भी अधिक ऐसी दादावाणियां देश के विभिन्न स्थानों में प्रतिष्ठित है, जहां अनुयायी वर्ग, भक्त वर्ग दर्शन वंदन कर अपने संस्कारों का सिंचन कर रहा है। मैं बात कहूं समय सुंदर जी महाराज की, तो वो एक ऐसे मूर्धन्य विद्वान आचार्य जिन्होंने केवल 8 अक्षरों के, राजानो ददतो सौख्यम, इन 8 अक्षरों के 10 लाख से भी अधिक अर्थ
कर डाले। वास्तव में ये महान आचार्य नहीं होते तो आज भारतीय संस्कृति में जो साहित्य हमें मिलते हैं आज वह देखने को भी नहीं मिलते। आचार्यों की बात तो है ही, लेकिन खड़तर गच्छ में ऐसे महान विद्वान श्रावक रत्न भी हुए हैं। मैं बात करता हूं नेमी चंजी भंडारी, जिन्होंने अपभ्रंश प्राकृत भाषा में अनेक स्तोत्रों की रचना किए हैं। रत्न के पारकी, रत्न के जौहरी, ऐसे हमारे महान व्यक्तित्व के धनी भी हुए हैं ठक्कर फेरू जी। उसके बाद मैं बात कहता हूं तो हुए हैं हमारे स्तोत्र और साहित्यों के लिए प्रसिद्ध मंडन मंत्री, 20वीं सदी के पुरातत्व वेत्ता पूरन चंद्र नाहर, विद्वान साहित्यकार अगरचंदजी भंवरलाल जी नाहटा और विनय सागर महोपाध्याय, वास्तव में जिनके साहित्य ने आज भारतीय साहित्य वांग्मय को समृद्ध किया है। श्रावक रत्न तो थे ही, लेकिन इस खड़तर गच्छ में श्रेष्ठी वरियों की भी कोई कमी नहीं। मैं बात कहता हूं थारू शाह भंसाली की, जिन्होंने जैसलमेर में लोद्रवा पार्श्वनाथ परमात्मा का अद्भुत अलौकिक जिनालय का निर्माण किया, तो दूसरी ओर गुर्जर प्रदेश में गुजरात में श्री सिद्धाचल महापर्वत पर मोती शाह द्वारा निर्मित मोती शाह टू, तो वहीं हम देखते हैं बंगाल में जाते हैं तो जगत सेठ बद्रीदास जी के द्वारा निर्मित नयनाभिराम शीतलनाथ जिन प्रसाद, तो खड़तर गच्छ के श्रावकों ने ऐसे अद्भुत जिनालय जिन मंदिर का निर्माण कराया जो आज भी भारतीय वास्तुकला और स्थापत्य कला में एक चमत्कार के रूप में माने जाते हैं। खड़तर गच्छ अनुयायियों द्वारा निर्मित पेंटिंग तथा कलाकृतियां भी अद्भुत है। संप्रदाय के अनेकों दानवीरों और परोपकारियों ने अनेक ग्रंथ भंडार, तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ स्थान, जिन मंदिर, दादावाड़ी, विद्यालय, कॉलेज, हॉस्पिटल, धर्मशालाएं, गौशालाएं, ऐसी अनेक संस्थानों का निर्माण किया और आज भी उनका संचालन बड़े ही व्यवस्थित रूप से करते हैं, जहां बिना किसी जाति, भाषा, लिंग, प्रांत के भेदभाव के हर जरूरतमंद व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है। अपनी कड़ी मेहनत तथा सिद्धांत परक जीवन के कारण खड़तर गच्छ के अनुयायियों ने समाज के प्रत्येक वर्ग का सम्मान एवं प्रशंसा हासिल की है और यह खड़तर गच्छ आज विक्रम संवत 1080 से बढ़ते बढ़ते अपने 1000 वर्ष को पूर्ण करने के लिए उत्साहित है, लालाहित है। विक्रम संवत 2080 में जो सहस्राब्दी वर्ष मनाने के लिए तत्पर हुआ है, खड़तर गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा एवं उनके निर्देशन में खड़तर गच्छ सहस्राब्दी महोत्सव के अंतर्गत श्री सिद्धाचल तीर्थ पालीताना में 2023 का भव्याति भव्य सामूहिक चातुर्मास, उपधान तप, नवाणु यात्रा, छहरी पालित संघ यात्रा एवं त्रिदिवसीय खड़तर गच्छ सहस्राब्दी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व भर के श्रावक श्राविकाओं द्वारा भाग लिया जा रहा है। जहां एक उच्च आयोजन है तो वहीं दूसरी ओर हमारे राष्ट्र की, हमारे समाज की विभिन्न प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने के लिए अनेक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि चित्रकला, चालीसा, स्तुति, स्तवन रचना आदि। बंधुओं, ये वही समाज के लोग हैं जो अपनी प्रतिभा को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उन्हें तलाश कर, उन्हें तराश कर हम समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि यही समाज की धरोहर है जो आगे जाकर एक सभ्य एवं संस्कृतज्ञ समाज की स्थापना करने वाले हैं। निश्चित तौर पर आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, आज निश्चित तौर पर विज्ञान ने हमें ऐसे ऐसे
उपकरण उपलब्ध करा दिए हैं जो हमारे समय बचा देते हैं, लेकिन विज्ञान ने हमें समय बचाना तो सिखा दिया, लेकिन उस बचे हुए समय का सदुपयोग कहाँ करना यह नहीं बता सका। और इसका ही परिणाम है कि आज औरों से मिलने में दुनिया बहुत मस्त है, आज औरों से मिलने में दुनिया बहुत मस्त है, लेकिन खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त है। स्वयं से मिलना है तो हमें परमात्मा महावीर के जीवन को झांकना होगा। परमात्मा महावीर हमें तीन संदेश दे रहे हैं कि हमारे वर्तन में अहिंसा हो, हमारे विचारों में अनेकांत हो और हमारे व्यवहार में अपरिग्रह हो। प्रभु महावीर की अहिंसा कैसी, तो भगवान महावीर की अहिंसा कहती है कि मेरा जीवन किसी के मृत्यु का कारण ना बने, मेरा सुख किसी के दुख का कारण ना बने, मेरी प्रसन्नता किसी के खिन्नता का कारण ना बने और मेरी मुस्कान किसी के आंसू का कारण न बने। यह है प्रभु महावीर की अहिंसा, जो केवल द्रव्य प्राणों की रक्षा तक संकुचित ना होकर भाव प्राणों की रक्षा की बात कहती है। हम वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि आज पूरे विश्व में युद्धों का माहौल है, लेकिन वास्तव में आज युद्ध हथियार के तो कम है, लेकिन युद्ध विचारों के अधिक है। आज हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन की सहायता ले लें, पीस ट्रीटीज का सहायता ले लें, जिनेवा कन्वेंशन हो या कितने भी यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन हो जो विश्व शांति के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन वास्तव में आज भी विश्व शांति हमें नजर नहीं आती है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे विचारों का विवाद है, और यह मतभेद जब मन भेद में परिवर्तित हो जाता है तब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु महावीर कहते हैं मतभेद को अभी ही त्याग दे, नहीं तो यह मतभेद मन भेद में बदल जाएगा और मन भेद विवाद की द्वंद की स्थिति उत्पन्न कर देता है। प्रभु महावीर कहते हैं अनेकांत का अपने जीवन में आचरण कर, सर्व के सद्भावनाओं का हम आदर करें, सर्व के सद्भावों का हम मान दे सम्मान दे। यह है प्रभु महावीर का अनेकांत। तो वहीं हम देखते हैं कि आज विश्व की 52% संपत्ति विश्व के 10% लोगों के पास है, जिससे समाज में, राष्ट्र में, विश्व में अमीर और गरीब यह दो वर्ग बन गए हैं। अमीरी और गरीबी का फासला बढ़ते जा रहा है, यह फासला बढ़ने से बढ़ती है दूरियां, और जब दूरियां बढ़ती है तो लोगों में बढ़ता है असंतोष, और जब असंतोष बढ़ता है तो वह जन्म देता है अपराधों का, और जिस समाज में, जिस राष्ट्र में अपराध है उस समाज में हम शांति, समरसता और सहिष्णुता की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके लिए आवश्यक है कि हम परमात्मा महावीर के अपरिग्रह अर्थात व्यक्ति को जिस चीज की व्यवस्था चाहिए, जिस वस्तु का उपभोग करना है, वह उस वस्तु को उस मात्रा में सेवन कर ले, भोग कर ले, उपभोग कर ले, लेकिन सामग्रियों के, संपत्ति के, धन के केंद्रीकरण का वह त्याग करे, तभी हमारे जीवन में अपरिग्रह आ सकता है। और जिस राष्ट्र में, जिस देश में, जिस समाज में अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह जीवन में होता है, निश्चित तौर पर वही समाज, वही देश और वही राष्ट्र आत्मोन्नति के साथ साथ धर्म की उन्नति हो, धन की उन्नति हो, व्यापार की उन्नति हो, धान्य की उन्नति हो, सारी उन्नतियों के शिखर को छू सकता है। बंधुओं, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, वैसे वैसे हमारे संस्कारों का, हमारी संस्कृति का ह्रास हुआ है। आज हमें आवश्यकता है हमारे संस्कृति के संरक्षण की एवं संवर्धन की। हम कल्पना करें कि हमारे संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमें क्या करना है, हम ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से कदम उठाए जाएं कि जिससे हम अपनी इस भारतीय संस्कृति को, आर्य संस्कृति को सुरक्षित भावी पीढ़ी तक पहुंचा सके। तो बंधुओं, केवल एक और एक ही कार्य हमें करना है कि हमें ऐसे महान पुरुषों का, ऐसे महान संतों का आचरण देखना है, ऐसे महापुरुषों को अपने जीवन का आदर्श बनाना है,
क्योंकि बंधुओं जैसा चित्र होता है वैसा चित्त बनता है, और जैसा चित्त बनता है वैसा हमारा चरित्र बनता है। अगर हमारा आदर्श सुंदर होगा, एक सच्चा व्यक्ति हमारा आदर्श होगा, तो निश्चित तौर पर हमें एक अच्छा और सच्चा आलंबन मिलेगा। अगर हमें एक अच्छा और सच्चा आलंबन मिलेगा तो निश्चित तौर पर हमारा आचरण भी अच्छा और सच्चा बनेगा। तो हम कल्पना करें, हम पुनः एक बार इतिहास में जाए कि जिनेश्वर सूरी महाराज, जिन्होंने शिथिलाचारी और धर्म विरोधी तत्वों के प्रति एक आवाज उठाई, उन्होंने उनका विरोध किया, अगर उस समय वे शांत बैठ जाते कि चल रहा है वैसे चलने दो, तो वास्तव में यह आर्य संस्कृति या भारतीय संस्कृति या खड़तर गज की परंपरा जो आज हमें यहाँ तक सुरक्षित रूप से प्राप्त हुई है, शायद वह नहीं मिली होती। बंधुओं, एक बार यह हुआ कि एक जंगल में आग लगी, जंगल में आग लगी तो एक कौवा अपनी चोंच में पानी भर भर के भर भर कर उस जंगल में डालने लगा। तब किसी एक पशु ने उसे कहा कि अरे कौवा, तू एक एक चोंच पानी डालता है, तेरे ऐसे करने से इस जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, यह दावा नल शांत होने वाला नहीं है। तब उस कौवे ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मुझे पता है कि मेरे एक एक बूंद पानी डालने से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम लिखा जाएगा, तो जंगल को आग से बचाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा, बैठकर तमाशा देख रहे वालों में मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा। बंधुओं, निश्चित तौर पर हमें लगता है कि मेरे अकेले के बदल जाने से, मेरे अकेले के कार्य करने से क्या होगा, लेकिन बंधुओं, बहुत ही खूब कहा है किसी ने कि आप भला तो जग भला, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। निश्चित तौर पर हम सभी को शुरुआत करनी होगी हमारे स्वयं से। जिनेश्वर सूरी ने एक जो दृढ़ संकल्प के साथ जो वो आगे बढ़े, हमें भी जिनेश्वर सूरी को अपना आदर्श बनाकर उनका आलंबन लेकर अपने आचरण को सुधारना है और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में अपना योगदान देना है। खड़तरगत सहस्राब्दी वर्ष के इस दुर्लभ एवं ऐतिहासिक काल में संपूर्ण खड़तरगत समुदाय अपने आप को पुनर्भाषित एवं पुनर्स्थापित कर द्विगणित उत्साह से मानवता की सेवा करने में तत्पर है एवं उत्साहित है। विरासत को नई ऊंचाइयों तथा गौरव के नए शिखर पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम अपने अतीत पर गर्व करते हैं, हम अपने वर्तमान के प्रति सुरक्षित हैं, और हमें अपने भविष्य के प्रति आश्वासन है कि निश्चित तौर पर हम राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, धर्म निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण में अपना पूरा पूरा योगदान करेंगे। मैं निश्चित तौर पर आज इस जो आप मैं अपने संदेश को आप सभी तक पहुंचा पा रहा हूं, उसके लिए मैं विशेष 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 आभार देना चाहूंगा राजस्थान संस्कृत अकादमी और अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर सरोज जी कोचर, उनके प्रयास से, जिनके प्रयास से अपने विचारों को आप सभी तक पहुंचा पाया हूं। बस आप सभी के लिए यही शुभकामना, यही मंगल कामना कि हम सभी अपना एक ऐसा पुरुषार्थ, अपने भीतर एक ऐसा दीपक जलाएं कि हमारा भी इस भारतीय संस्कृति के, इस आर्य संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में हमारा भी पुरुषार्थ चले, हमारा भी एक योगदान रहे। यही शुभ भावनाओं, मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति।